हेलो नमस्कार, यदि आप भी एक ग्रेजुएशन पास छात्र हैं, यदि आपने भी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 50,000 स्कॉलरशिप के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन किया है और अभी तक आप लोगों को जो भी इसका 50,000 की राशि है वो नहीं मिला हुआ है, यदि आप लोगों का रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड शो कर रहा है, तो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि आप लोगों का जो पैसा है वो यहाँ पे आप सभी के लिए पैसा देने के लिए जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि किन किन स्टूडेंटों के लिए कितना पैसा जारी किया गया और कब तक आप लोग को पैसे भेजे जाएंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी को बताएंगे, तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट आया हुआ है, विभागों को विकास कार्य के लिए मिले 475,12 करोड़ रुपये। यानी कि जो भी विभाग है, जो कि जितने भी विभाग होते हैं पैसा उसको ज़रूरत पड़ा हुआ है, तो उनको टोटल मिला करके 475,12 करोड़ रुपये जो पैसा वो मिले हुए हैं, जो कि इन सारे योजनाओं में पैसा यहाँ पर जारी करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को, यहाँ पर बता दूँ राज्य सरकार ने विकास कार्यों के लिए सभी विभागों को 475,12 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है। वित्त विभाग के अनुसार अनुपूरक बजट में पारित राशि विभाग के उपलब्ध कराने के वेतन या विकास पद में राशि की कमी नहीं है। यानी कि अब यहाँ पे पैसे में कमी नहीं है, जितने भी पैसा है जो भी विभागों में देना था वो सभी के लिए जारी कर दिया गया है। अब बात रही कि आप लोग का जो पैसा वो कब तक आएगा, तो जैसा कि पता है कि आप लोगों को सभी स्टूडेंटों को अगस्त के महीने में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है पैसा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पे अभी तक बचा हुआ है, यानी कि 40,000 स्टूडेंट को पैसा दिया गया था और यहाँ पे अभी उससे भी ज़्यादा बाकी बचा हुआ स्टूडेंट जो कि यहाँ पे अभी तक उसको पैसा नहीं मिला हुआ है, तो वह जानना चाहते हैं कब तक आप लोग को पैसा मिलेगा। तो बता दें आप लोग को, सेप्टेम्बर में आप लोग को जो पैसा है वो देने की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। जैसे कि अगस्त में दिए गए थे, तो उसी प्रकार से आप लोग को सेप्टेम्बर में भी पैसे दिए जाएंगे। यदि आपने पहले आवेदन किया था ऑनलाइन, तो उसी के हिसाब से आप लोग को पैसा मिलेगा। अब बात रही कि आप लोगों के लिए यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा कितना यहाँ पे पैसा जारी किया गया है, वो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। इसमें सभी के लिए कितने कितने करोड़ रुपये जारी किए गए हैं वो बताया गया है, तो मैं आप लोगों को देरी ना करते हुए शिक्षा विभाग के लिए जो पैसा जारी किया गया है वो मैं आप लोग को बता दूँ। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिया गया, शिक्षा विभाग को 103,91,30,83,000 रुपये, यहाँ पर देख सकते हैं इतना रुपये जो पैसा है वो शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। तो शिक्षा विभाग, जितने भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत इंटरमीडिएट या फिर यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप होता है उनको लेकर के सभी के लिए पैसा जारी किया गया है, तो सभी को ये पैसा दिया जाएगा। तो यदि आप लोग ने भी ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है, तो अब आप लोग को जो भी पैसा वो यहाँ पे देने की उम्मीद जग गई है और आप लोग का जो पैसा वो सेप्टेम्बर तक में आप लोग को दिया जाएगा। तो आप सब लोग इंतजार कीजिए, जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आता है तो मैं आप लोग को अपडेट करता रहूँगा, इसलिए आप सब लोग हमारे साथ जुड़ के रहें। यदि आप लोग को इसके रिगार्डिंग कोई भी आप लोग को अपडेट चाहिए हमेशा, तो आप सब लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। फिलहाल के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।